हेलो एंड वेलकम टू टेडी टॉकीज। दोस्तों, सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर आखिर क्यों अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए अक्षय कुमार और रोने लगे। रोकर उन्होंने मणि की मां को गले लगा लिया और छू लिए उनके पैर। क्या हुआ है, चलिए हम आपको बताएंगे टेडी टॉकीज की इस रिपोर्ट में। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर अक्षय कुमार अपनी फिल्म रक्षाबंधन को प्रमोट करने के लिए आए थे और ऐसे में अक्षय कुमार ने कुछ ऐसी क्लिपिंग देखी अपनी जिंदगी की, जिसको देखकर उनको अपनी बहन की याद आ गई और वो फूट फूट कर रोने लगे। वो इमोशनल हो गए, पर उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। अक्षय कुमार ने बताया कि किस तरह से वो दिल्ली में एक छोटे से घर में, सिर्फ एक कमरे के घर में सभी लोग रहा करते थे। एक वो समय भी था उनकी जिंदगी का, लेकिन उस समय भी उनकी बहन ने ही उनका साथ दिया। लेकिन जब अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक्टर बन गए तो वो अपनी बहन का सहारा बने और उन्होंने बड़े भाई होने का एक पिता की तरह रोल निभाया है। बहन की जिंदगी में वो ना सिर्फ भाई बने बल्कि पिता भी बनकर सामने आए। और ऐसे में जब उनकी बहन का ये वॉइस नोट दिखाया गया तो अक्षय इमोशनल हो गए और उसके बाद उन्होंने मणि की कहानी को अपनी जिंदगी की कहानी से कंपेयर करा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम एक छोटे से घर में रहते हो मणि, मैं भी उसी तरह रहा करता था। मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल करा और आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ वो मेरी माँ की दुआओं का असर है, मेरी बहन की दुआओं का असर है। जिसके बाद वो इमोशनल होकर अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने मणि की माँ को गले लगा लिया और उनके पैर छुए और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपको देखकर मुझे मेरी खुद की माँ की याद आ गई, क्योंकि जिस तरह से अपने बेटे को आप चांद सितारों में पहुँचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, इतना स्ट्रगल कर रही हैं, मेरी माँ ने भी कभी वो स्ट्रगल मेरे लिए किया था और मैं जिंदगी भर अपनी माँ का एहसानमंद रहूँगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ और मणि, तुम भी जिंदगी में जो भी बनोगे अपनी माँ की वजह से बनोगे। जिसके बाद मणि ने भी अपनी माँ के पैर छुए। वेल दोस्तों, इस सीन को देखकर हर कोई काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में आप लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।